हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राघव। द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राइम नंबर्स की सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं और जावा की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल या तो वन से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ। जैसे कि अगर हम बात करें कि 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है जो कि केवल 1 से डिवाइड हुआ या फिर 7 से डिवाइड हुआ। 3 एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से डिवाइड होता है और केवल 3 से डिवाइड होता है। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ द 2, बिकॉज 2 इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड 2। कभी भी आप ये इस गलत फहमी मत रहना कि 1 आपका प्राइम नंबर होता है। 1 को प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करते हम। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। तो आइए हम इसकी कोडिंग करते हैं। इसमें हमने क्लास बना रखी है, क्लास में हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो लिमिट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, लिमिट इसलिए लिया हुआ है कि हमें कितने लेस देन 30 प्राइम नंबर चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट है लेकिन हमें लेस देन 30 तक ही प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2। काउंट हमने यहाँ पे इसे लिया हुआ है जिससे हम काउंट कर सकें कि कितनी बार डिविजिबल हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक 9 नंबर है, ये 9 है। 9 किससे डिविजिबल होता है? 1 से, 3 से और 9 से। तो यहाँ पे काउंट क्या आया? 3 आया, ठीक है। हमने यहाँ पे काउंट ले रखा है, यहाँ पे हमने काउंट लिया हुआ है, इसलिए लिया है काउंट दिस वन, बिकॉज ड्यू टू काउंट वी कैन चेक दैट वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और अदर मेनी टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि कितने बार डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है तो काउंट 3 आया है, 5 एक प्राइम नंबर है तो काउंट 2 आया है, और 2 भी एक प्राइम नंबर है इसलिए इसके लिए भी काउंट क्या है? 2 आया है। तो काउंट कैसे पता चल रहे हैं? द टोटल नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। तो 139 टोटल 3 नंबर्स हैं जो इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंट 3 आया, ठीक है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। प्रोग्राम में एक हमने लूप लगा रखा है, वाइल नम लेस देन लिमिट। ये क्या है कि ये नंबर्स हम जो हम प्राइम नंबर्स अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे या जो फाइंड आउट करेंगे वो लेस देन 30 होने चाहिए। इसका मैं एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये क्या है? इसमें लेस देन 30 है, तो मैक्सिमम क्या रखा है प्राइम नंबर? 29। 29 से भी आगे प्राइम नंबर होते हैं लेकिन हमें लेस देन 30 ही चाहिए। बाकी हम इस कोड को समझने के बाद आगे हम देखेंगे कि 29 के बाद कौन से प्राइम नंबर और होते हैं, ढेर सारा देखेंगे। तो यहाँ पे हमने काउंट 0 लिया हुआ है, यहाँ पे हमने काउंट 0 से इनिशियलाइज किया है। एक फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप में क्या है? आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन नम, आई प्लस प्लस। आई इज इक्वल टू 1 तो ठीक है, 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और लेस देन नम मतलब अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर हमने दिया हुआ है, एक 9 नंबर है, ये टोटल नंबर्स हैं जो 9 को डिवाइड कर रहे हैं। तो कहाँ तक हम डिवाइड कर पाएंगे? 1 से, 0 से तो हम डिवाइड करने से रहे, 1 से हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और मैक्सिमम कहाँ तक, किस नंबर तक डिवाइड कर सकते हैं? खुद उस नंबर तक। देखो जैसे यहाँ पे हमने 9 को डिवाइड किया 1 से, 3 से और 9। 9 के बाद भी कोई नंबर आएगा, जैसे 10 आ गया, 11 आ गया, तो उससे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर डिवाइड भी करेंगे तो हमें इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, इसलिए हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो 9 तक ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने जो यहाँ पे कंडीशन लगाया है लेस देन आर इक्वल टू नम, मतलब उस प्राइम नंबर तक ही 1 से स्टार्ट करेंगे और प्राइम नंबर तक ही हम इसे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि ये हमारा क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर है, जो कि क्या हमें देता है? रिमाइंडर। तो अगर नम डिवाइड बाई आई मीन मॉडुलस ऑपरेटर आई इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है आई से डिवाइड करने पे, तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम चेक कर रहे हैं कि काउंट इज इक्वल टू 2, अगर काउंट 2 है तो हम क्या कर रहे हैं? नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, नहीं तो नंबर्स को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया? नम प्लस प्लस क्यों किया है हमने? नम प्लस प्लस इसलिए किया है कि जिससे पहले हमने 2 को चेक किया, उसके बाद हम किसको चेक करेंगे? 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे,
तो वैसे ही लूप क्या होती रहेगी, लूप आइट्रेट होती रहेगी और हम उसे चेक करते रहेंगे तो हमें प्राइम नंबर्स की जो सीरीज़ है वो मिलती रहेगी। तो अभी तक हमने देखा कि 30 तक अगर हम लिमिट को बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है, हमने 50 कर दिया, तो हमें कहाँ तक मिलेगा ये प्राइम नंबर, ये 50, लेस देन 50 अगर हम बात करें तो 47 तक हमें प्राइम नंबर मिल रहे हैं, 2 से लेके 47, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और यहाँ पे लेस देन 50 तक हमने लिमिट लगा रखी है, तो मैक्सिमम 47 तक में कौन सा होता है, 47। तो ये रहा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसी तरह की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।